नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ के बारे में। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना 1924 में कैम्ब्रिज में चौथे इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग कांग्रेस के दौरान हुई थी। क्या याद रखना है, 1924 में कैम्ब्रिज में इस फोर्थ इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग कांग्रेस के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ एक स्वतंत्र संगठन है। इसमें आपके अनुभवी बीज वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के गैर लाभकारी निगम द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। किसे? अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ को। बीजों की जांच से जुड़े नए तरीकों के विकास से जुड़ा है आपका ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ISTA के सचिवालय की बात करें तो इसका स्विट्जरलैंड में है। सचिवालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। प्रबंधन एवं निर्देशन। ISTA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का प्रबंधन एवं निर्देशन एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में आपका एक अध्यक्ष शामिल होता है, उपाध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं, याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ के उद्देश्यों की बात करें हम लोग तो इसके उद्देश्यों में शामिल है दुनिया भर के बीजों की गुणवत्ता के आकलन में समरूपता लाना, बीजों के सैंपल और परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य नियम बनाना, लेबोरेटरीज को मान्यता देना, इंटरनेशनल सीड एनालिसिस सर्टिफिकेट देना, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। सदस्यता की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की सदस्यता की बात करें हम लोग तो इसके सदस्यता में 4 श्रेणियाँ हैं। पहली है इसकी लेबोरेटरी मेंबर, ये आपके बीजों के परीक्षण से संलग्न प्रयोगशाला है। फिर आपका पर्सनल मेंबर, बीजों के परीक्षण से संबंधित विज्ञान और अभ्यास से जुड़े व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। एसोसिस्ट मेंबर, ये सदस्य ISTA की बैठकों में वोट नहीं कर सकते हैं, साथ ही किसी तरह का पद भी नहीं ले सकते हैं। फिर है आपके इंडस्ट्री मेंबर, ये ऐसे संगठन हैं जो ISTA के उद्देश्यों को समर्थन देते हैं और वार्षिक सदस्यता शुल्क के माध्यम से वित्त करते हैं। ठीक, सदस्यों को ISTA के माध्यम से बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास, सूचनाओं को साझा करने के लिए वैश्विक मंच है मिलता है। किसके माध्यम से? अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ के। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की जो अभी 32वीं कांग्रेस सम्मेलन हुआ, ये हुआ है आपका हैदराबाद में। कहाँ हुआ? हैदराबाद में 26 जून से 3 जुलाई के बीच 2019 में, ये 32वां था। ठीक है, और याद रखना है आपको फर्स्ट टाइम ये एशिया में हुआ है, पहली बार ये एशिया में हुआ है। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। आगे बात करेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के बारे में।